अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आजकल ओबियसली एक लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं और आई डोंट नो कब तक रहेंगे। अल्लाह ताला इससे हम सबको निजात दिलाए और इन सारी चीज़ों से, इन सारे फितनों से, इन सारी अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, शैतान के शर से महफूज फरमाए। और जब भी आप, मैं सजेशन सबको देना चाहती हूँ, जितनी भी खवातीन हैं अपने घरों में, और वो मुझे पता है सब करती हैं, लेकिन एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए बायस रहमत बनाया गया है, मतलब याद दहानी करवाने के लिए बनाया गया है कि एक दूसरे को नेकी की याद दहानी करवाते रहें। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ़ में सब कुछ बता दिया, बेशक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस और अपनी ज़िंदगी के मुताबिक उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया, सिखला दिया, लेकिन अब हमें ये करना है कि अल्लाह ताला ने हमें दरमियानी उम्मत, यानी अल्लाह ताला ने हमें आने वाले और जो इसके बाद जो आएंगे उनके लिए बायस रहमत बनाए, ताकि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रख सकें। और हमें एक जिस्म की मानिंद बनाया गया है कि अगर एक जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म इस तकलीफ़ को महसूस करता है। ये बात हर मुसलमान में होती है, और जिसमें नहीं होती ओबियसली उस पर एक शैतान का गलबा होता है। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि आप जब भी खाना बनाएं खवातीन, जब भी, तो कलमा ज़रूर पढ़ें, जब भी हाथ धोएं कलमा पढ़ के, जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप फ्री हो जाएं और अपनी दिमाग से निकाल दें कि जहाँ, जिस जगह पर कलमा पढ़ा गया है, जिस जगह पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया है, उस जगह पर कोई भी वायरस या कोई भी और बला आ सकती है, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, जिस जगह पर आपने कलमा पढ़ लिया। और आप हमेशा जब भी खाना बनाएं कलमा पढ़ें आम रूटीन में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये वायरस है तो हमें हमेशा यही करना चाहिए था, है और होना चाहिए आगे भी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कपड़े धोएं या फिर आप बर्तन धोएं या फिर आप अपना हाथ धोएं, तो उसके बाद कलमा ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का अब हिस्सा है। ये पहले भी था, अभी है। जैसे ही हमारी हमारे अंदर रूह फूंकी गई, तो ये जो कलमा है हमारे साथ साथ रहा और हमेशा रहेगा। ये सब मुसलमानों को ये बात अपने दिमागों में बिठा लेनी चाहिए। तो मुझे पता है सब ऐसे ही करते होंगे, सब बहुत अच्छे। ओबियसली हम सबको एक दूसरे को याद दहानी करवानी चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए कि किस तरह सफाई करनी है, किस तरीके से हमने सफाई निस्फ ईमान है, ये भी हमें बताना चाहिए और अमल करके दिखाना चाहिए ओबियसली। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। अगर हमारे अंदर नहीं है ये चीज़ें, मतलब मैं अपना भी कहती हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा इस तरीके से समझा रही होती हूँ, अगर मैं दूसरों को ये बताऊँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ऊपर पहले प्रैक्टिस करूँ, फिर मैं आप सबको और फिर आगे आने वाली नस्लों को बताऊँ कि हमें किस तरीके से आगे चलना है और चलना चाहिए। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी, मैं एक डॉक्टर फरहत हाशमी को लाजमी सुनती हूँ, ये मैं आज से 2 माह पहले ही मैंने उनको सुनना शुरू किया था, तो 2 माह हो गए मुझे उनको सुनते, मतलब कभी अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनको ज़रूर सुनती हूँ। उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत ही दीन के मामले में उन्होंने जो हमें बताया वो सब कुछ है उसमें, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और आजकल कुछ ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है कि वाकई हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए या इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने सादगी के बारे में बताया, यानी अपनी बेटी की शादी जब उन्होंने की तो कितनी सादगी से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, फ्रेंड्स ये मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़बरदस्त खातून हैं वो, अल्लाह ताला उनके जैसा, मतलब अल्लाह ताला
अच्छे लोगों में हमारा शुमार करे, नेक लोगों में शुमार करे, ये सबसे बड़ी दुआ ये करनी चाहिए। और बाकी मैं आपको इधर दिखा रही हूँ कि क्लीनलीनेस मतलब सफाई वगैरह मैंने की और सब सारा सेट वेट किया। मसाले वाला जो डब्बा था उसको भी मैंने अच्छी तरह धो के और साफ़ करके रखा। और हम लोगों ने फिर न्याज बनवाई, यानी न्याज से कहते हैं आई डोंट नो, मतलब खैरात वगैरह, तो मतलब बांटने के लिए सबके घरों में। और वो हमने भी खाया और सबको भी दिया और बहुत अच्छी मज़े की अम्मी ने हलीम बनाई हुई थी। तो ये भी एक सुकून वाला काम है कि जिस दिन हम खाना खाएं उस दिन अपना आधा जो खाना है वो हम किसी हमसाए को दे दें या किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला हमें नेकी करने की बहुत ज़्यादा तौफीक दे हम सबको। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमने लूडो भी खेली, आज तो नहीं, हाँ खैर तो 3 दिन हो गए हम लूडो खेल रहे हैं। मेरा भाई और मेरे जो हस्बैंड है वो और मेरा भाई और मैं, हम तीनों ने मिलके कल रात को लूडो भी खेली। थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज किया इसमें, मैं और मेरे हस्बैंड आई थिंक जीत चुके हैं। हाँ ये उन्होंने लेफ्ट भी किया हुआ है, कुछ ऐसे मूव्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो क्वेटा में है और मैं लाहौर में हूँ। तो हम लोग फिर खेलते हैं लूडो ऑनलाइन और मेरा भाई भी खेलता है तो बहुत मज़ा आता है। तो इसमें ये थोड़ी सी मूव्स हैं, इसमें तो मैं बिल्कुल हारने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे बताते रहते हैं कि ऐसे चलो ऐसे चलो, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब इतनी मूव्स का नहीं पता चलता, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही होती, तो वो मुझे बताते रहते हैं साथ साथ। इधर मेरा भाई फर्स्ट आया हुआ था और मेरे हस्बैंड जीत ही नहीं रहे थे, उनका देखे अंदर आ गया लेकिन उनका सारा आ जाता था लेकिन उन्होंने जिताया। जो फिर लेटेस्ट खाना है आज, वो अम्मी ने चना पुलाव मेरा फेवरेट बनाया हुआ था और हम सब ने मिलकर इंजॉय किया। ये जो प्लेट है ये मेरी सिस्टर की और मेरी है। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको तो इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमेशा करने की तौफीक दे। हमारी आखिरी सांस तक आमीन सुमामीन। अल्लाह हाफिज़।